असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल कुक कुकर ईट विद एम एच उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखे होंगे तो चलें जी रमज़ान स्पेशल की आज रेसिपीज की तरफ चलते हैं आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टिप्स रोल पराठा और एक सॉस है जो हम मेयोनीज के साथ बनाएंगे और उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे और बहुत टेस्टी सॉस बनेगी और ये तीनों चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं सबसे अच्छी बात ये है उसके बाद हम इन तीनों को जो है कंबाइन करेंगे और एक नई रेसिपी बनाएंगे रोल पराठा की वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने चिकन स्ट्रिप्स बनानी है और ये मैंने दो दिन पहले बना लिए थे और फिर दो दिन बाद निकाल के जब ये फ्रीज़ हो गए थे अच्छे से तो मैंने इनका दोबारा रोल पराठा बनाया था चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबसे हम चिकन स्ट्रिप्स जिसके लिए मैंने दो सीने ले लिए थे और उसके स्ट्रिप्स बना लिए थे आप भी लंबे लंबे मोटे मोटे काट लें तो उससे स्ट्रिप्स बन जाएंगे और इसको मैंने प्राइम कर लिया था ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्राइम का तरीका बता चुकी हूँ तो इसको मैंने प्राइम कर लिया था फिर भी मैं आपको दोबारा आगे चल के बता दूंगी सबसे पहले हमने इसमें ली है जो है सफेद मिर्च आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच मिर्च नमक सॉरी हसपे जायका जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च वन टी स्पून गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें और लाल मिर्च मैंने ली है एक चम्मच और टिक्का मसाला मैंने डेढ़ चम्मच लिया था चिली सॉस हमने चाहिए दो से तीन चम्मच सोया सॉस भी दो से तीन चम्मच और ये ब्रेड क्रम्स है जितनी हमें जरूरत होगी हमें उतने चाहिए मैं एक डेढ़ कप जितना आप ले लीजिएगा ब्रेड क्रम्स मैं खुद बनाती हूं बहुत सिंपल है बनाना सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है और एक एग वाइट भी हमें चाहिए जो मैं आगे चल के डालूंगी आपको बताऊंगी कि किस वक्त डालनी है इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जितने भी मसाले हैं सारे डाले अगर आप लोगों से मुझे बताते वक्त कोई मसाला मिस हो जाता है तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो है वो अज्जा बताए होते हैं तो आप वहां पर चेक कर लिया करें अब मैंने एक बाइट डाल दी है इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको मेरीनेट कर देना है आधे पौने घंटे के लिए उसके बाद जब ये मैरिनेट हो जाए तो आपने ब्रेड क्रम्स लेनी है और उस, उनको कोट कर लेना है इसके ऊपर और उसके बाद इसको आपने फ्रीज कर देना है आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन चाहे आप फ्रीज करें इसको एज अ स्टार्टर लें इसको आप जो है पराठे में डाल के लगा लें या जिस तरह भी करें फ्राई करें डीप फ्राई करें बेक करें अब मैंने ये इनको निकाल लिया है दो दिन के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि दो दिन के बाद मैंने दोबारा इस रेसिपी को बनाया अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी और जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्राइंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब एक साइड से पक जाए यानी कम से कम आपने एक से डेढ़ मिनट देना है आ, मीट को कोई भी चीज़ है फ्राइंग वाली उसके बाद आपने उसकी साइड टर्न करनी है इससे ये फायदा होगा कि वो जो कोटिंग आपने की है वो उतरेगी नहीं इतनी सी टिप है इसका बहुत ख्याल रखा करें अब मैंने इन सबको जो है फ्राई कर लेना है आप इसको जो है जरूरी नहीं है क्या आप इसको शैलो फ्राई करें आप बेक कर लें इसको कुछ नहीं करना फॉइल पेपर लगाना है और उसके बाद जो है इसको बेक कर लें 10 से 15 मिनट के लिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी बहुत मज़े की रेसिपी है और जरूरी नहीं है कि आप इसको रमज़ान में इस्तेमाल करें या रमजान में बनाएं आप ऐसे भी बना सकते हैं अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ जो है हमारे फ्रोज़न पराठा और इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया था और मैंने सेम बाउल आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए आपके पास जो भी बर्तन है मजरिंग के लिए आपने क्या करना है कि उसका वन फोर्थ लाइक उसका तीसरा हिस्सा आपने दूसरा आटा इस्तेमाल करना है मेरे पास ये सेम बाउल थे इसीलिए मैंने लिए हैं ताकि आप लोग को समझ आए कि आपने जो भी कप लेना है उसका हिसाब आपने ये रखना है कि एक कप मैदा और उसका तीसरा हिस्सा दूसरा आटा उसके बाद हमने एक एक चम्मच चीनी लेनी है एक ही चम्मच नमक लेना है एक ही चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और एक ही चम्मच चम्मच मीठा सोडा लेना है और घी है जितना हमें जरूरत है कम ज़्यादा आप लोग अपनी चॉइस पे रख सकते हैं उसके बाद मैंने क्या किया, किया कि ये मैंने शीट्स ले ली हैं ये वो शीट्स हैं बहुत इजीली आप घर में जो हमारे कपड़े आते हैं जो उनके बैग्स होते हैं अगर आपको शीट्स नहीं मिल रही तो आप उनको काटें धोएं और उसके बाद इस्तेमाल कर लें और पानी हमें नींद गर्म चाहिए मैंने पानी को गर्म कर लिया था सबसे पहले हमने अपने जो है खुश्क अजा है उनको जो है मिक्स करना है जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसा ऐसा हमने क्या करना है पानी डालना है पानी एक साथ आप लोगों ने नहीं डालना इस बात का हमेशा आटा गूंजते वक्त ख्याल रखा करें क्योंकि हमें ये जो फ्रोजन पराठों के लिए आटा चाहिए ये हमें सख्त चाहिए हमें नरम आटा नहीं चाहिए उसके बाद मैंने इसको जो है शेल्फ पे डाल लिया और मैंने इस तरह आपने भी इसको 10 से 15 मिनट कम से कम गूंदना है हाथों से हाथों से आराम से हथेली से जिस तरह भी ये आप देख रहे हैं

ऊपर मैंने घी घी लगा दिया। लगाने के बाद मैं खुशका जो आटा है गंदम का या कोई भी मैदा ले लें आपने खुशका इसके ऊपर डालना है उसके बाद आपने सेंटर से कट लगाना है आप देख सकते हैं सेंटर से कट लगाकर मैंने इसको उठाकर उस दूसरे के ऊपर टर्न कर लिया है और इसका जो है एक मैंने आ, रोल कर लिया है इसको एक तरह से काट के अब मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है इसी तरह छुरी लेनी है और घी लगाना है इसी तरह ही आटा जो है ऊपर स्प्रिंकल करना है बट आपने साइड से जो है नैनी सेंटर के हाफ से आपने इसको कट लगाकर इसका कोन बना लेना है और ये वाला तरीका भी जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते अब मैंने पेड़ों को रख दिया था आधे घंटे के लिए आधे घंटे पे सेट होने के बाद मैंने इसको बेला है बेलने के बाद अब हम इसको जो है इस इस उस पर फ्रीज़ कर देंगे आप चाहते हैं तो फौरन इस्तेमाल कर लें अगर आपको ज़रूरत है लेकिन आप इसको फ्रीज कर लें सबसे पहले आपने शीट लगानी है शीट के ऊपर आपने ये पराठा रखना है उसके ऊपर घी लगाना है और फिर ऊपर दूसरी शीट लगा देनी है आपने हर रोटी रखने के बाद शीट जरूर लगानी है इससे ये होगा कि आपका चिपकेगा नहीं और जब आप इसको निकालेंगे तो आसानी से ये निकल आएगा इसी तरह मैंने सात छः के छः पराठे बना लिए थे और इसी तरह सब एंड में भी आपने शीट लगानी है सबके ऊपर घी लगाना है क्योंकि आपको जब आपने फ्राई करना है इसको दोबारा से तो हमें घी की ज़रूरत नहीं होगी अब जी मैंने इसको दो दिन के बाद निकाला और आपके सामने अब मैं इसको फ्राई करूँगी कुछ भी नहीं करना इससे शीट हटानी है और आपने तवे को गर्म करना है और इसके ऊपर डाल देना है बस ख्याल रखिएगा नरम हाथों से लगाइएगा सख्त हाथ यानी जोर से नहीं आपने खींचना थोड़ा टाइम दे दीजिएगा अगर आपसे ना उतरे क्योंकि इस तरह ये होगा कि पराठा टूट जाएगा आप देख सकते हैं कि घी नहीं लगाया और कितना ये सॉफ्ट पराठा बनाए फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा था मैं आप लोगों के सामने डेमो देना चाह रही थी इसलिए मैंने इसको निकाल लिया और मैंने आप लोगों के सामने बनाया दो दिन के बाद इसको फ्रीज करने के बाद दो दिन के बाद तो तो तक तो ये बहुत बेहतरीन थे और इनशाला आगे भी रहेंगे आप इसको रख सकते हैं पंद्रह दिन के लिए ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे उसके बाद मैंने बारी बारी ये सारे पराठे बना लिए थे और ये पराठे एक सैरी की आपके लिए डिश होगी यानी आज मैं आप लोगों के लिए डबल ट्रीट लेकर आई हूँ अफतारी सैरी लंच डिनर सारी तरी की रेसिपीज ऐसी हैं जो आप लंच में यूज कर सकते हैं सैरी में यूज़ कर सकते हैं अफतारी में भी बन सकती हैं तो एक कम्प्लीट पैकेज है तो चले जी अब जल्दी से चलते हैं हम अपनी सॉस की तरफ बहुत मज़े की सॉस है और जल्दी बनने वाली सॉस है और इसको भी आप एयर टाइट में डालें और बना के रख लें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रोल पराठे के साथ खें बेसिकली आपको इनको स्ट्रिप्स के साथ ऐसे ही खा सकते हैं रोल पराठा में भी डाल सकते हैं और सैंडविचेस भी बना ब, ब, बनाएं और उसमें ऐड करें तो ये बहुत मज़े की लगती है बहुत अच्छा फ्लेवर बना था तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी मेयोनीज चाहिए थी मैं ज़्यादा ही बोल पड़ी और चीज़ें आगे भाग गई और मैं पीछे रह गई फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ म्योनीस चाहिए हमें इसमें गार्लिक का जो है चॉप चाहिए दो मैंने जवे ले लिए थे उनको चॉप कर लिया था सफेद मिर्च आधा चम्मच चाहिए चिली गार्लिक सॉस चाहिए केचप चाहिए हमें और उसके बाद हमें जो है वो जो सॉस स्पाइसी मैंने बनाई थी वो चाहिए दो चम्मच सबसे पहले म्योनीस ले लिया मैंने एक कप उसमें मैंने डालना है गार्लिक जो मैंने चॉप कर लिए थे दो जवे चिली गार्लिक सॉस जो मैंने ली थी डेढ़ चम्मच टेबल स्पून और uh, कैचअप भी मैंने लिया है वन टेबल स्पून और काली मिर्च ली है मैंने हाफ टी स्पून और जो सॉस स्पाइसी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी उसके लिए है मैंने दो चम्मच फिर भी आप अपना फ्लेवर चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा चेक कर लिया करें बना के चीज आपको अगर लगे कि इसमें किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको फिर बैलेंस कर लिया करें अगर आपको ज़्यादा मिर्चें लगें तो मोनीस डाल लें मिर्चें कम लगें तो सॉसेज डाल लें और वैसे भी सारे जो जितने भी अज्जा हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल लिखी होती है आप लोग वहाँ से चेक कर लिया करें समटाइम मैं बाइसों करते वक्त ऊपर नीचे बोल जाती हूँ आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ अब ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं अब हमने इनको अरेंज करना है सबसे पहले क्या करना है कि मैंने पराठा लेना है और अभी भी देखें कि कितना सॉफ्ट है काफी देर इसको हो गई थी बने हुए मैंने दो आपने स्ट्रिप्स ले लें उसके ऊपर सॉस डालनी है और इसको रोल कर लेना है सिंपल सा मेथड है चाहे तो आप सैलेड रख सकते हैं बट मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि ये फ्लेवर इसी तरह सही है अब आप इसको लंच में खा सकते हैं समटाइम बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है और आ, आ, कुछ भी नहीं होता खाने को तो समझ नहीं आता तो ये चीज़ें रेडी हो तो आप इजीली उनको लंच डिनर में दे सकते हैं उनके स्कूल आ, के टाइम पे लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं ऑफिसज में दे सकते हैं अपने हस्बैंड्स को भाइयों को उम्मीद करती हूं कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है अपना फीडबैक देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोगों को पता चले कि मेरी कौन सी नई वीडियो आई है अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज